और होस्टिंग बाय करी है। डोमेन जो मैंने लिया है वो namecheap.com से लिया है और होस्टिंग लिया है interserver.net से। जो डोमेन मुझे पड़ा है वो 533 रुपये का पड़ा है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कैसे आपको 533 रुपये तक का डोमेन आराम से namecheap.com से मिल जाएगा। और होस्टिंग जो पड़ी है वो गाइस मंथली वाली होस्टिंग ली है, जो करीब मुझे $6 पर मंथ पड़ेगी। वो VPS होस्टिंग ली है। आप चाहे तो $5 वाली होस्टिंग भी ले सकते हैं जो शेयर्ड होस्टिंग होती है, लेकिन मैंने VPS और शेयर होस्टिंग में आपको डिफरेंस बताया था कि क्या डिफरेंस रहेगा, वो पिछली वीडियो में मैंने आपको साथ शेयर कर दिया था। तो इसलिए मैंने अपने स्टूडेंट के लिए जो ली है वो VPS होस्टिंग लिया है, जिससे कि इन द फ्यूचर में अगर उसका ब्लॉग रैंक करता है, ब्लॉगिंग पर्पज से लिया है उसने, तो जो ब्लॉग रैंक करता है तो वो इन द फ्यूचर में अगर एकदम अचानक बहुत सारे विजिटर आ जाएँ तो आपकी कम से कम होस्टिंग सस्पेंड तो नहीं होगी। इसलिए मैंने उसके लिए लिया है एक VPS सर्वर। सो कैसे हम वेबसाइट बना सकते हैं, कैसे डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करना है एक दूसरे, जिससे कि हमारी वेबसाइट लाइव हो, इस वीडियो में मैं ये शेयर करूँगा कि कैसे आप अपने लिए एक बेस्ट वर्डप्रेस की वेबसाइट बना सकते हैं। ब्लॉगिंग करियर के लिए चाहिए तो ब्लॉगिंग करियर के लिए, और अगर आपको प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है किसी भी एक बिजनेस को शो करने के लिए तो वो वेबसाइट भी कैसे बनानी है, उसको भी मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। चलिए हम अपने स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे ये प्रोसेस होता है। सो है दोस्तों, तो हम अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं और देखते हैं कि मैंने अपने एक डोमेन जो बुक करा है वह namecheap.com से बुक करा है। ये डोमेन मुझे पड़ा करीब 533 रुपये का, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको बाय करना है। तो ये डोमेन आपको ये है फ्री फॉर प्रिंटिंग जो मैंने लिया है। और तो आज हम और जो होस्टिंग ली है वो हम इंटर सर्विस से ली है। मैंने VPS होस्टिंग ली है जो कि मेरे को $6 पर मंथ की है, और पर मंथ इसका पेमेंट होता है करीब 500 रुपये समथिंग इसका पेमेंट है। और तो चलिए देखते हैं कि हम अपनी इस वेबसाइट को कैसे लाइव करते हैं, और जो ये लाइव होगा वह करीब 10 से 15 मिनट में लाइव हो जाएगी आपकी वेबसाइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो मैंने सबसे पहले हमको जो हमने डोमेन लिया है फ्री फॉर प्रिंटिंग, तो इसको हम अपने कैसे जो VPS होस्टिंग है उसके साथ मुझे वेबजू का फ्री कंट्रोल पैनल मिला है, आप देख सकते हैं। तो इसमें बहुत ही इजी है यूज़ करना इसको। डोमेन का ऑप्शन ये रहा, डाटाबेस का ऑप्शन ये रहा, SSL सर्टिफिकेट जो फ्री होता है होस्टिंग के साथ वो यह है, बल्कि हर कोई होस्टिंग SSL सर्टिफिकेट फ्री नहीं देती है, GoDaddy नहीं देती है। GoDaddy इसके लिए अलग से चार्ज करती है, क्या पता आप दे रही हो, लेकिन इसके लिए पहले अलग से चार्ज करती थी। FTP डिटेल्स, एप्लीकेशन, वर्डप्रेस एक्सेट्रा, ईमेल्स, आप यहां से ईमेल्स बना सकते हैं अपनी वेबसाइट्स के लिए, और कॉन्फ़िगरेशन आप देख लीजिए। तो हम अपने डोमेन स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम ऐड डोमेन करेंगे। ऐड डोमेन पे हम ऐड ऑन करेंगे डोमेन का जो हम है हमारा freeforprinting.com डोमेन है। सो जो इसका डोमेन पाथ है वो freeforprinting.com ही है। एंड इसमें एक ऑप्शन है अलाउ वाइल्ड कार्ड, टिक टू अलाउ डोमेन डॉट कॉट ऑल सब डोमेन को एक ही फोल्डर के अंदर करने के लिए, तो इसको हम अनचेक ही रहने देंगे। सो ऐड ए डोमेन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और इसमें एक ऑप्शन है इशू लेट्स एंटीक्रिप्टेड सर्टिफिकेट। सो SSL सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक इसमें अनेबल हो जाएगा, उसके लिए ये ऑप्शन इसमें यहाँ पे दे रखा है, तो हम इसको ऐड कर देते हैं। तो गाइस डोमेन मैंने ले लिया है यहाँ से, और फ्री फॉर प्रिंटिंग ये रहा डोमेन। सो अभी आप देख सकते हैं ये वेबसाइट हो गई है लाइव वेबजू के उसमें, क्योंकि मैंने जो मैं बता दूँ फ्री फॉर प्रिंटिंग के जो अंदर है वह उसमें आपको ये करना है, जो आपके नेम सर्वर हैं वह जो मैंने डोमेन होस्टिंग ली है VPS की होस्टिंग, उसमें जो नेम सर्वर मैंने जो मेरे को IP मिला है उसको मैंने NS1 NS2 पे इसको पॉइंट कर रखा है। तो ऑटोमेटिक जब भी आप कोई भी VPS होस्टिंग लेंगे तो उसमें एक डोमेन के आपको लिए करना ही होगा। सबसे पहले मेरा ये DM कोर्स का था, तो मैंने इस पे NS1 NS2 पॉइंट कर रखा है। NS1 कस्टम, यहाँ से कस्टम DNS चूज़ करेंगे आप, और यहाँ पे name server 1 name server 2 दे देंगे और सेव कर देंगे। ऑटो जैसे ही आप करेंगे ऑटो सेव हो जाएगा। सो इसमें होस्टिंग जो रजिस्ट्रार के इसमें है, आपको सिर्फ नेम सर्वर ऐड करने पड़ते हैं जो होस्टिंग आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है।
जो भी आपको होस्टिंग यहाँ से प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पे आपका जो ये है लाइव हो गया है। एंड हम अब इस पर करेंगे अपनी वेबसाइट या ब्लॉग जो भी है इंस्टॉल। तो हम पैनल पे आ जाते हैं और यहाँ पे है वर्डप्रेस मैनेजर का, आप देख रहे हैं 3-4 पेंटिंग यहाँ पे डिफॉल्ट फेस दिखा देते हम, तो सब कुछ ठीक है। एंड इंस्टॉल करने के लिए पूछ रहा है तो मैं इंस्टॉल कर दूंगा वर्डप्रेस इसके अंदर, और यहाँ से डोमेन चूज़ कर लूँगा। ये मेरे से पूछ रहा है चूज़ इंस्टॉलेशन यूआरएल, तो आपको यूआरएल में चूज़ कर देना है 3-4 पेंटिंग जो आपने अभी ऐड करा है। और जो डायरेक्टरी पूछा है, इन डायरेक्टरी आपको यहाँ से इन डायरेक्टरी हटा देना है, हमें मेन डोमेन पे ही इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हमें मेन डोमेन चूज़ करना है, डायरेक्टरी यहाँ से हटा देना, और बाकी माई ब्लॉक पे आपको माई साइट नेम पे 3-4 पेंटिंग जो भी आपका डोमेन का टाइटल होगा वो डाल देना। और आप यहाँ से आप एक पासवर्ड बना लेना, पासवर्ड अपने पास रख लेना सेफ, ठीक है। ये पासवर्ड रख दिया हमने सेफ। हम इस पे आते हैं और अपना इस पे देखते हैं। सो चूज़ इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर लिया। इसमें से कोई सभी प्लगइन आपको, ये प्लगइन्स हैं, इसका आपको मैं बाद में बताऊंगा कैसे इस पे वर्क करते हैं। फिलहाल कोई भी प्लगइन अभी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप कि कैसे कैसे किस पे क्या करना है। एडवांस ऑप्शन में आप देखते हैं, एडवांस ऑप्शन में भी आपको कुछ नहीं करना है। सो सिंपली आपको थीम ऑटोमेटिक चूज़ कर रखी है। आपको सिर्फ यहाँ पर टाइटल, पहले यहाँ पे आपको एक डायरेक्टरी नेम हटाना है, टाइटल रखना है, और आपको यहाँ पासवर्ड रखना है। एडमिन भी आप दूसरा भी रख सकते हैं, जैसे FF Printing हम एडमिन यूज़र कर लेते हैं। यहाँ पे एडमिन का यूज़र चेंज कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है यहाँ से एडमिन, अगर आप एडमिन रखेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा बोट अटैक होते हैं एडमिन के ऊपर, क्योंकि वो पासवर्ड हैक करते हैं उस टाइप में। तो आप यहाँ से अपना एडमिन यूज़र नेम चेंज कर लेना और पासवर्ड आप यहाँ से जनरेट कर लेना, एंड आप बस कुछ नहीं करना, आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो गाइस देखिए हमारा ये इंस्टॉलेशन हो चुका है, कुछ सेकंडों में ही इंस्टॉलेशन हो चुका है। अब हम वेबसाइट ओपन करके देखते हैं। तो गाइस हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है, और ये करीब 5 से 10 मिनट ही इसको लगे होंगे बनने में, ऑनलाइन होने में। तो आप देख सकते हैं वेबसाइट हो गई है विथ थीम, फ्री थीम के साथ। तो और इसमें कुछ नहीं करना। तो गाइस अभी के लिए मैं ये वीडियो स्टॉप करता हूँ। आपके लिए आपको बस दिखाना था कि कैसे आपको डोमेन लाइव करना है ब्लॉग या बिजनेस वेबसाइट बनाने के लिए। उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको तैयार कर दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी ब्लॉगिंग के लिए एक SEO फ्रेंडली वेबसाइट कैसे बनानी है उसके लिए, या आपको एक बिजनेस वेबसाइट बनानी है उसके लिए अलग से भी वीडियो दे दूंगा। अगर आपको बिजनेस पर्पज़ के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए एलिमेंट्स यूज़ करके कैसे वेबसाइट बनानी है उसका वीडियो भी मैं बना दूंगा आपके लिए। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिससे कि आपको कंटिन्यूस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।